तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैन आई हाइड माई प्रीवियस एक्सपीरियंस फॉर दी न्यू अपॉर्चुनिटी और फॉर दी न्यू रोल। सो बेसिकली जो ये वीडियो होने वाला है वो इस टॉपिक पे होने वाला है, क्या आप अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस हाइड कर सकते हो या अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस छुपा सकते हो किसी न्यू कंपनी में जाने के लिए। तो यहाँ पे दो रीजन निकल के आते हैं या दो कंडीशंस निकल के आती हैं कि आप हाइड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, जिसमें पहला मैं पॉइंट डिस्कस करता हूँ। उसमें यह है कि अगर फॉर सपोज आप किसी कंपनी में वर्किंग थे, आपने 1 साल काम किया, 2 साल, 3 साल, 5 साल, वट एवर टाइम, तो वहाँ पे क्या होगा कि उस टाइम पीरियड में आपको डॉक्यूमेंट रिलीज होते हैं, जैसे आपको ऑफर लेटर मिलेगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा या रिलीविंग लेटर मिलेगा। एंड उस केस में होता क्या है कि कई कंपनीज आपका पीएफ डिडक्ट कर रही होती हैं और कई कंपनीज आपका पीएफ डिडक्ट नहीं कर रही होती हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि अगर आपके पास किसी भी तरीके का ऑन पेपर या ऑन ईमेल या किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है जिससे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की कंपनी उस चीज़ को पता लगा लें, तो वो आप एक्सपीरियंस हाइड कर सकते हो या वो आप प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी आप अपनी हाइड कर सकते हो। बट सेकेंड पॉइंट की मैं यहीं पे बात करूँ कि अगर आपका किसी भी तरीके का रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास फॉर्म 16 है, आपके पास आपका पीएफ डिडक्ट हुआ है, आपका यूएन नंबर क्रिएटेड है एंड आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, अगर कंपनी रिक्वायर्ड करती है, नेक्स्ट कंपनी मांग लेती है तब की बात बता रहा हूँ, तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की जो कंपनीज हैं वो आपका एक्सपीरियंस फाइंड आउट कर लेंगी या वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में निकल आएगा और वो चीज़ वहाँ पे फेक में निकली जाएगी ही अगर आपका पीएफ क्रिएटेड है। तो इस केस में आप अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस या प्रीवियस कंपनी हाइड नहीं कर सकते हो। बट यही दो केस इसमें बनते हैं कि अगर आपके पास ऑन पेपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब आपकी कंपनी जो थी वो इन हैंड सैलरी देती थी, इन हैंड आपको पेपर दे दिया कि हाँ आप सेलेक्टेड हो, ये रहा आपका ज्वाइनिंग, ये रहा आपका ऑफर लेटर, तो उस केस में आप हटा सकते हो, उस केस में आप रिमूव कर सकते हो। बट अगर आपका यूएन क्रिएटेड है, उस केस में अपना जो पीएफ पासबुक होगा उस केस में आप अपना सर्विस हिस्ट्री नहीं हटवा सकते हो या अपना एक्सपीरियंस नहीं हटा सकते हो। तो बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई भी कमेंट या क्वेरी या डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पिंग आउट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा। एंड अगर इसके अलावा भी आप मेरे साथ 1-to-1 डिस्कस करना चाहते हो और कॉल तो स्क्रीन पे आपको नंबर आ रहा होगा, आप मुझे वो व्हाट्सअप कर सकते हो और वहाँ पर चार्जेबल कॉल होती है 199 फॉर अप टू 1 मंथ। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।